मैडम। तुम इन्हें क्यों ले आए? अरे शादी करने वाले हम, तो माँ जी से मिलना जरूरी था ना। तो मैं घर में आके मिल लेती ना, खामखा इन्हें परेशान किया। अरे परेशान क्या हो रहा है, माँ जी भी बोल रही थी कि तुमसे मिलना है, इसलिए ले आया साथ में। कैसी है? अच्छा ऑर्डर कर ले पहले, फिर बातें करते हैं। वेटर। हाँ जी सर। क्या खाओगी तुम? सैंडविच। मम्मी के लिए तो सूप ही ऑर्डर करता हूँ, एक ग्रिल सैंडविच, और मम्मी के लिए तो सूप ही, मेरे लिए भी सैंडविच ही करते हैं। जी सर। हेलो वो खुद खा लेंगी ना, तुम क्यों? अरे उनसे नहीं खाया जाता, प्रॉब्लम होती है खाने में, हाथ पापते ना तो खाना ऊपर ही गिर जाता है, इसलिए तुम खाओ। संजू रेस्टोरेंट में ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे से क्या मतलब है, हम जैसे खाना घर में खाते हैं ऐसे ही यहाँ खाते हैं, इसमें क्या है? संजू तुम एक काम करो, अपनी माँ को ना दूसरे टेबल पर बिठा दो, वो थोड़ी देर वहां बैठ जाएंगी, और मुझसे तो ऐसे खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। पहले हम खा लेते हैं, बाद में तुम जाके उन्हें खिला देना। ठीक है। आ जाओ मैं उधर आ जाऊं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो यहाँ बैठकर खाओ मेरे साथ। तुम्हारे साथ? अरे आज बहुत अच्छा हुआ जब मैं अपनी माँ को यहाँ पे ले आया साथ में, और तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। कौन सी सच्चाई? सच्चाई तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी माँ को प्रॉब्लम है, और तुम्हें मेरी माँ की प्रॉब्लम से अभी प्रॉब्लम होने लगी। अरे मैं सोचता था कि हमारी शादी के बाद माँ को एक और सहारा मिल जाएगा, हम दोनों मिलके माँ को संभाल लेंगे, अगर कभी घर पे मैं नहीं हुआ तो तुम होगी। अरे तुम्हें अभी इनके खाना खाने से ही प्रॉब्लम होने लगी है, कल को मैं घर पे नहीं हुआ और तुम्हें इन्हें खाना खिलाना पड़ जाएगा तो तुम तो खाना खिलाओगी नहीं, मेरी माँ तो भूखी रह जाएगी। तुम कैसी लाइफ पार्टनर हो जो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम भी क्या, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। ये जैसे बचपन में मैं छोटा था तो मुझसे नहीं खाना खाया जाता था, तो माँ मुझे अपने हाथ से खिलाती थी, और अब बारी मेरी है, और मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसको मेरी माँ से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। संजू ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बस बेटर, मैम से मैम का बिल ले लेना, हम अपना बिल भरेंगे। जी सर।